हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल नॉलेज राज में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल वर्क में कौन कौन से टूल काम में आते हैं, कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं, टूल्स कितने इम्पोर्टेंस होते हैं, उनके क्या यूज़ होते हैं, वो मैं सब आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। कौन सा टूल कहाँ यूज़ होता है, कौन से का क्या कार्य होता है, कितने प्रकार के होते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है एक इलेक्ट्रिशियन के लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे जो रेल का सब्सक्राइब बटन है उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और पास में जो घंटी है उसे भी दबा दे, जो नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगा ताकि हमारे चैनल पर कोई सी भी नई वीडियो आती है पहले सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं अपनी वीडियो। दोस्तों ये इंसुलेटेड कॉम्बिनेशन प्लाई जिसको हम प्लास भी कहते हैं, दोस्तों ये एक इलेक्ट्रिशियन के लिए सबसे महत्वपूर्ण औजार है। यहीं से इलेक्ट्रिकल के बेसिक स्टार्ट होती है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एक इलेक्ट्रिशियन के लिए, जो आपको हर इलेक्ट्रिशियन के पास देखने को मिल जाएगा कॉम्बिनेशन प्लायर। ये तारों को जोड़ने काटने जॉइंट करने में काम में आता है। इसका साइज़ जो होता है वो 150 से 200 mm तक होता है। एक स्टैंडर्ड गेज होता है इसका, 200 mm का प्लायर होना चाहिए। और इसके जो पीछे की ये दो टांगे होती है उसमें इंसुलेटेड की पीवीसी इंसुलेटेड के वो चढ़ाया जाता है इंसुलेशन। और देखिए आगे का मुंह होता है, यहाँ पर एक कटिंग भी होता है जिससे तारों को काटा जाता है, और आगे का जो इसका मुंह होता है वो तारों को मोड़ने में काम आता है। दोस्तों ये है सेकेंड नंबर स्क्रू ड्राइवर जिसको हम पेचकस कहते हैं। ये नट बोल्ट कसने के काम आता है, स्क्रू पेच को कसने खोलने के काम में आता है। ये 150 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm तक के लंबाई में आते हैं। इनकी लंबाई इनके बिट के अनुसार काउंट की जाती है। ये 200 mm, 250 mm, 300 mm तक के आते हैं। ये माइल्ड स्टील के बने हुए होते हैं और टेम्पर किए जाते हैं। इसका जो हैंडल होता है पीछे का वो बेकलाइट सेलोलाइट लकड़ी का बनाया जाता है, और इसके ऊपर पीवीसी पाइप चढ़ाई जाती है जिससे कि करंट नहीं लगता है। बिल्कुल छोटे स्क्रू को कसने के लिए छोटा स्क्रू ड्राइवर यूज़ लिया जाता है जिसको कनेक्टर स्क्रू ड्राइवर कहते हैं। दोस्तों ये फेस टेस्टर, ये वोल्टेज चेक करने के लिए किए जाते हैं कि वोल्टेज आ रही है नहीं आ रही है, सप्लाई चालू है ये नहीं है, तो फेज टेस्टर का उपयोग किया जाता है। इसे पता लगाया जा सकता है कि कौन सा फेज है, कौन सा न्यूट्रल है। जिसमें फेज आ रहा होगा उसमें इसमें एक इंडिकेंस होता है जिसमें लैंप लगा होता है, न्योन लैंप, उसमें न्योन गैस भरी जाती है, वो इसमें इंडिकेंस करता है कि हाँ ये फेज है ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल में ये जो इंडिकेटर होता है वो नहीं लगता है, और फेज में ये जलने लग जाता है। इससे पता चलता है कि ये फेज है। ये फेज टेस्टर का 440 तक वोल्ट तक चेक कर सकते हैं, इससे ऊपर की रेंज में नहीं कर सकते हैं। ये पूरा इंसुलेटेड होता है, इसके आगे का मुंह होती है। इससे भी स्क्रू ड्राइवर की तरह यूज़ लिया जा सकता है छोटे मोटे स्क्रू खोलने के लिए। दोस्तों ये होता है वोल्टेज डिटेक्शन टेस्टर, इससे दूर से पता लगाया जा सकता है कि वोल्टेज आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ये ओनली ऐसी सप्लाई पर काम करता है, ऐसी सप्लाई को तार के नज़दीक ले जाकर इससे पता लगाया जा सकता है कि सप्लाई चालू है या बंद है। ये पहले ही बता देता है दूर से ही, ये 30 फीट की दूरी से ही बता देता है बड़ी लाइनों में, 132 kV, 165 kV। इसकी वीडियो हमारे चैनल पर डाली हुई है, आप इसमें चैनल में सर्च कर ले टोंग टेस्टर, उसमें पूरा बताया हुआ है डिटेल में कैसे वर्क करता है, कैसे क्या होता है, इसके अंदर कौन से पार्ट होते हैं, वो सब कुछ इस वीडियो में बताया गया है। दोस्तों ये है पॉकर, इसका उपयोग वो बोर्ड बनाते समय उसमें छेद करने के लिए काम में लिया जाता है। इसके आगे का जो मुंह होता है वो बिल्कुल तीखा होता है, बिल्कुल सुई की तरह। पीछे का हैंडल इसका लकड़ी का बना हुआ होता है। ये ओनली फॉर लकड़ी के बोर्ड में छेद करने के लिए काम में लिया जाता है। दोस्तों ये हैमर, आपने लगभग हैमर सभी वर्कर्स के पास देखा होगा, चाहे वो इलेक्ट्रिशियन का हो, चाहे मैकेनिकल का हो, किसी का भी हो, हैमर आपको सभी के पास देखने को मिल जाता है। लेकिन एक इलेक्ट्रिशियन के लिए
जो हैमर यूज़ में लिया वो इस तरह का होता है, ये छोटा होता है, 200 ग्राम का होता है। ये साइज़ में और भी बड़े आते हैं, लेकिन एक इलेक्ट्रिशियन के लिए अधिकतर 200 ग्राम यानी बिल्कुल छोटा जो होता है वो काम में लिया जाता है। हैमर का यूज़ वायरिंग करते समय गिट्टी ठोकने, बोर्ड को फिक्स करने के काम में लिया जाता है। इसका पीछे का जो हैंडल होता है वो लकड़ी का बना हुआ होता है, और ये हैमर अलग अलग प्रकार के आते हैं, क्रॉस पिन, वॉल पिन और इसके और टाइप्स होते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ये क्रॉस पिन है दोस्तों। ये है सोल्डरिंग आयरन, इसका उपयोग जॉइंटों को मजबूत करने के लिए किया जाता है। सोल्डरिंग आयरन का उपयोग अधिकतर केबलों के जॉइंट में किया जाता है जहाँ पर अधिक नमी या किसी कारणवश से ज़्यादा खराबी होती है। सोल्डरिंग आयरन को उस तार के ऊपर पिघलाया जाता है और उससे तार मजबूत हो जाता है। ये जो आप देख रहे हैं ये सोल्डरिंग आयरन मशीन है, ये बिल्कुल छोटी है, जो 5 वाट या 12 वाट की होती है, जो मोबाइल या पीसी वगैरह में यूज ली जाती है। जो ये मोबाइल में जो भी अपने पीवीसी जो काम लिए जाती है, पीवीसी कोई भी किसी भी आईसी को चेंज करने या किसी भी कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो उसको चेंज करने के लिए ये वाली जो सोल्डरिंग आयरन होती है वो यूज ली जाती है। ये साइज में भी अलग अलग आती है, ये बिल्कुल छोटी है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स काम के लिए है, इलेक्ट्रिकल काम के लिए अलग आती है दोस्तों। तो ये है इंसुलेटेड नोज प्लायर, ये देखिए इसके बीच में कटर होता है और इसका आगे का मुंह जो होता है वो बिल्कुल राउंड होता है। ये छोटे मोटे नट बोल्ट को कसने खोलने के काम में ली जाती है, और इसके जो ये भाग होता है आगे का मुंह वो बिल्कुल वायर को गोल कर देता है, किसी भी टर्मिनल वगैरह को गोल करके कसा जा सकता है इसको, इसलिए इसको राउंड नोज प्लायर कहते हैं। इसके जो ये पीछे दो टांगे होती है उस पर पीवीसी का इंसुलेशन चढ़ाया जाता है, और ये बीच में जो कटर होता है ये तारों को काटने के लिए काम में लिया जाता है। ये ऐसी जगह पर नट बोल्टों को खोलने के काम में लिया जाता है जहाँ पर जगह कम होती है, जहाँ तक हाथ नहीं पहुँच पाता है, ये स्पैनर नहीं लगा सकते हैं, वहाँ पर नट बोल्ट को खोलने या कसने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसका साइज़ भी 150 mm, 200 mm की साइज़ की आती है ये दोस्तों। ये है क्रिपिंग टूल, ये लग को फिक्स करने के लिए काम में लिया जाता है। इसका जो आगे का मुंह होता है उसमें कुछ इस तरह से बनाया जाता है कि इस पर दांत बनाए जाते हैं जो कि लग को बिल्कुल फिक्स कर देता है। इसके जो हैंडल होते हैं वो इंसुलेटेड बनाए जाते हैं, ये इसकी लंबाई 200 mm से भी अधिक होती है। ये इंसुलेशन पीछे की जो दोनों टांगे होती है इसकी, जिसको हैंड से पकड़ा जाता है वो इंसुलेटेड होती है। इसके आगे का मुंह ये स्टील का बना हुआ होता है, लेकिन इसको टेम्पर किया जाता है। तो ये बेरिंग पुलर, बेरिंग पुलर का उपयोग बेरिंग को निकालने के लिए काम में लिया जाता है। बेरिंग पुलर का साइज बेरिंग के आधार पर होता है, ये शाफ्ट पर कसा जाता है। जो इसकी जो ये आप टांगे देख रहे हैं नीचे की तरफ, इसको बेरिंग के अंदर फंसाया जाता है, और बीच में जो ये नट होता है इसको टाइट, जैसे जैसे टाइट किया जाता है वैसे वैसे बेरिंग पार की ओर आता जाता है। इस तरह बेरिंग को निकाला जाता है, इसलिए इसको बेरिंग पुलर कहा जाता है। ये पूरा लोहे का बना होता है, इसकी ये अलग अलग प्रकार के अलग अलग हो सकते हैं। ये बिल्कुल छोटा बेरिंग पुलर है जो कि पंखे ये छोटी मोटरों के बेरिंग निकालने के लिए काम में लिया जाता है। बड़ी साइज़ के बेरिंग को निकालने के लिए इससे बड़े और बेरिंग पुलर यूज़ में लिए जाते हैं। ये है स्पिनर, एडजस्टेबल स्पिनर सेट, ये अलग अलग प्रकार के होते हैं, इसका साइज़ ये एडजस्ट किया जा सकता है, ये फिक्स नहीं होता है। इसको जिस तरह के अपने को नट बोल्ट खोलने होते हैं उसके आधार से इसका साइज कर सकते हैं अपन। ये जो आप बीच में ये राउंड राउंड गोल गोल जो देख रहे हैं ये इसको एडजस्ट करने का स्क्रू है, इससे एडजस्ट किया जा सकता है कि
कितने साइज का कम ज़्यादा करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये अलग अलग साइज़ के होते हैं, यदि इसमें दिखाई गया ये सबसे छोटा है, फिर उससे बड़ा है, फिर उससे बड़ा है, तो ये 6 इंच का, 8 इंच का, 10 इंच का, इस तरह से इसका साइज़ और बढ़ता जाता है। दोस्तों वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं हो इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। इसमें अभी और टूल्स बाकी है जो मैं सेकंड वीडियो में डालूंगा। जो मेन मेन टूल्स आते थे वो तो मैंने इसमें बता दिए, और जो है वो भी बाकी है, वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो प्लीज़ अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर ले, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।